नमस्कार साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में, जहां थाना रेवसा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हम आपको बता दें, थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ पर एक मकान में नकली शराब फैक्ट्री का पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें काफी मात्रा में स्टिकर, नकली शराब की बोतलें, साथ में दो अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जिले के रेवसा थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ के पास स्थित मकान में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से दो आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं भारी मात्रा में अल्कोहल, खाली शीशी, नकली रैपर, QR कोड सहित अन्य सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री में दो ड्रम व 3 गैलन में कुल 350 लीटर इथाइल, 11,700 प्लास्टिक की खाली शीशियां, फाइटर ब्रांड के 17 पौवा, बैंडिज ब्रांड के 26 पौवा, नकली रैपर, QR कोड, पैकिंग गत्ता सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रेवसा थाने में संबंधित धाराओं में से केस दर्ज कर शराब की जो फैक्ट्री है वो इस मामले में महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके आदेश पर एक लगातार अभियान चल रहा है उन अपराधियों पर, विशेषता जो आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अर्जित करके और उस दुनिया में अपना विस्तार और बढ़ा रहे हैं। अपराध की दुनिया का साम्राज्य उनका जो है और बढ़ रहा है, उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। CO बिस्वा और इंस्पेक्टर रेवसा, इनको लगाया गया था, मुझे दायित्व सौंपा था उन्होंने टीम बना करके काम करने के लिए। उस दिशा में ये उल्लेखनीय सफलता इसलिए है कि इसमें जो ब्रांडेड शराब होती है वो नकली तौर पर बना करके फैक्ट्री लगा करके ये कार्य इनका चल रहा था। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और टीमें बनाई गई हैं। इसमें इनका पूरा एक गैंग है। अभी कुछ कहना थोड़ा सा इनके गिरफ्तारी के गोपनीयता के दृष्टिकोण से उचित ना होगा, लेकिन ये टीमें बनी हैं और इसमें जो गैंग के सरगना और जो बड़े अभियुक्त हैं इसके, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त होगी। और हम समझते हैं कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तोड़ पाने में हम ध्वस्त होंगे। इसमें जो बरामदगी हुई है स्पेशली वो 350 लीटर एथाइल एल्कोहल है, जिसको कि प्रयोग करके लगभग 800 लीटर शराब बनाई जा सकती है। इस एथाइल एल्कोहल का प्रयोग करके 39 पैकेट में कुल 11,700 cc, कुल 71 नकली QR कोड, 198 जो कार्टन होता है, पैकिंग गत्ता होता है वो, ब्रांडेज ब्रांड के नकली 330 रैपर और ब्रांडेज ब्रांड के ही 26 पौवे वो बरामद हुए हैं। एक अच्छी खासी बरामदगी है। और ये जो फैक्ट्री है ये कुछ ही दिन पूर्व यहाँ स्थापित किए जाने की बात आई थी, हमारी टीम लगी हुई थी, बड़ी गहनता से मुखबरी की जा रही थी, पतारसी सुरागसी की जा रही थी, उसके आधार पर यह सूचना डेवलप हुई और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। निश्चित रूप से इससे जो अवैध शराब का, खासकर ब्रांडेड शराब को नकली तरीके से बना करके काम करते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक व्यवसाय है। इसमें कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि उनकी भरपाई मुश्किल लगती है। और